खबर ग्वालियर से, जहां पर चाकू कांड की घटना सामने आई है, जहां दो नकाबपोश बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। वहीं आरोपी फरार हो गया है, जिसमें एक की मौत हो गई है, दो घायल हैं जिनको जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। पुलिस मामले की तलाश में जुटी है। ये जो अथीम रोड पे चौपाटी है, आज यहाँ 3:45 से 4 बजे के बीच की घटना है। JH हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारी ड्यूटी करके अपने घर के लिए लौट रहा था, और कोई दो अज्ञात नकाबपोश मुंह बांध के आए थे और उसको रोका है। कुछ कहा सुनी हुई है और उसको पेट में चाकू मारा है। जो छोटे छोटे बच्चों ने घटना को होते हुए देखा है, उनके आधार पर दो ही लोग थे, बाइक पे थे। नकाबपोश भागता भागता आके थीम रोड के आस पास गिर गया। हमारा पुलिस बल यहाँ पर तैनात था, उन्होंने तुरंत ही उसको लेकर JH हॉस्पिटल पहुँचे। उसका इलाज हो रहा है, अभी डॉक्टर से बात हुई है, उसको खतरे से बाहर बताया, लेकिन पूरी स्थिति उसके स्वास्थ्य के बारे में जो सोनोग्राफी और एक्सरे हो जाएंगे उसके बाद में पता चलेगी कि कितना अंदर वाइटल ऑर्गन डैमेज है।